जैसे आप क्या कर रहे हो, आप दिन भर बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, किसी के आप रील्स देख रहे हो, कि कुछ कर रहे हो, अपने भाई बहन से बातें कर रहे हो, दुनिया भर की तमाम चीजों में बिजी हो। ब्रेन के कोने में पता है कि तैयारी अच्छी नहीं है। ब्रेन का दूसरा कोना यह भी कह रहा है कि पढ़ ले भाई, इस बार भी सिलेक्ट नहीं होगा, पिछली बार भी नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होगा, उसके पिछली बार भी नहीं होता, इस बार भी नहीं होगा, फिर क्या करेगा। जितना इंपॉर्टेंट टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जब आप अटेम्प्ट करते हो ना, तो आपको फील होता है, आपकी सच्चाई आपके सामने आती है कि यार मेरी तैयारी नहीं है। फिर उसके बाद अगले दो दिन जो आपका मोटिवेशन बनता है ना, डीमोटिवेशन से जो आपका मोटिवेशन बनता है, जो आपको सच्चाई आपके फेस पे पड़ती है। जैसे आप क्या कर रहे हो, आप दिन भर बैठ के इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर रहे हो, किसी के आप रील्स देख रहे हो, कि कुछ कर रहे हो, अपने भाई बहन से बातें कर रहे हो, दुनिया भर की तमाम चीजों में बिजी हो। ब्रेन के कोने में पता है कि तैयारी अच्छी नहीं है। ब्रेन का दूसरा कोना यह भी कह रहा है कि पढ़ ले भाई, इस बार भी सिलेक्ट नहीं होगा, पिछली बार भी नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होगा, उसके पिछली बार भी नहीं होता, इस बार भी नहीं होगा, फिर क्या करेगा। आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो। टेस्ट देते ही क्या होता है, ब्रेन के दोनों तरफ से एक ही आवाज आती है, भाई पढ़, एकदम तैयारी नहीं तेरी, पढ़ ले, अभी दो दिन में चैप्टर निपटा ले। ऑफ कोर्स टेस्ट कैन डीमोटिवेट यू, बट इट डीमोटिवेट्स यू फॉर योर बेटर गुड। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो बच्चों, तो सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। और अगर आप टेस्ट इसलिए नहीं दे रहे हो कि टेस्ट में नंबर नहीं अच्छे, अरे कौन देख रहा है तुम्हारे नंबर? वो फिजिक्स वाला ऐप में जो तुम्हारी रैंकिंग आती है, किसको फर्क पड़ रहा है उस रैंकिंग से? तुमको, तुम्हारे मां बाप को, हमको, दोस्तों को, किसको, तुम्हारी फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ, तुम्हारे बच्चों, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, देश को फर्क नहीं पड़ रहा है उस रैंकिंग से। उस एक रैंकिंग के लिए तुम अभी पगलाए हुए हो कि वहां मेरी रैंकिंग अच्छी नहीं आएगी, मैं टेस्ट तब दूंगा जब मेरे नंबर वहां पे मुझे को